लोकसभा क्षेत्र से है, जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अजय भारत की टीम ने चुनावी चौसर कार्यक्रम के तहत डेहरी विधानसभा क्षेत्र के डेहरी रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां आम नागरिकों से बात करते हुए उनकी राय जानने की कोशिश की। चौसर चुनावी कार्यक्रम को लेकर आम नागरिकों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे रोहतास जिला संवाददाता रोहित सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। हालांकि यह सरगर्मी तो पूरे देश में लागू है, लेकिन इसी सरगर्मी को लेकर आज हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मैं पहले भी बताया था कि 6 विधानसभा है, जिसमें 3 औरंगाबाद जिला और 3 आपको पड़ता है रोहतास जिला में। मैं उसी मुद्दे को लेकर आज बात करने के लिए रोहतास के डेहरी ओनसोन में आया हूँ और यह डेहरी ओनसोन के रेलवे स्टेशन का परिसर है। यहाँ पीछे देख सकते हैं कि कई यात्री हैं, कुछ लोग यहाँ के व्यवसायी हैं जो फल वगैरह भी बेचते हैं, सभी बेचते हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार किस मुद्दे को लेकर अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। ठीक है, तो क्या नाम हुआ आप लोग को जरा बताइए, कैसे प्रत्याशी देखेंगे इस बार? इस बार अच्छे प्रत्याशी देखेंगे और खास करके पवन सिंह को ज्यादा देखेंगे। पवन सिंह देखेंगे। यहाँ मैदान में कई दल के नेता भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, राजा राम भी हैं, किरण प्रभाकर जी भी हैं, उसके बाद बसपा से भी कई लोग हैं और पवन सिंह भी हैं। जी, यही बात है कि बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, कुछ काम हम माने कोई चीज़ का, कोई रोजगार, कोई फैक्ट्री, कोई चीज़ नहीं बैठा है। पवन सिंह आएंगे तो सब चीज़ के सुख सुविधा बढ़ाएंगे, हमको ज़्यादातर यही लग रहा है। कुछ देखिए यहाँ लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये जरा बताइए, आप रहने वाले डेहरी के हैं, काराकाट के निवासी भी हैं, इस बार का जो वोट है ना, वह कैसे प्रत्याशी को देंगे और आपका मुद्दा क्या रहेगा? हम तो वही पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह को देंगे, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है, देखिए कि ऐसा है कि कोई भी जीतता है तो मुँह दिखाने भी नहीं आता है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, उनका दौर देख आते ही नहीं कहीं कभी। पवन सिंह है, को मौका दिया जाएगा, नया नया कैंडिडेट है, काम करेंगे, बढ़िया है। निर्दलीय है तो मेरा अच्छा है, निर्दलीय है तो मिल जाएगा पार्टी में। ठीक, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, स्टेशन पे हम चलेंगे और यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप ये बताइए कि 1 जून को वोट होने को है, कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? अरे हम कैसे लोग को वोट देंगे? अरे हम लोग का तो अभी मोदी के पार्टी में देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन मोदी जी तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया काराकाट क्षेत्र में। अरे जो भी है, जो अपना अपना सबका पसंद है, जो जहाँ रहेगा वहाँ अपना काम करेगा। हम लोग का मोदी ही पसंद है तो मोदी को वोट देंगे। मोदी को देंगे, आप क्या कहेंगे? हम लोग मोदी जी का है, मोदी जी को देंगे। मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर दे रहे हैं? मोदी जी के नाम पर, मोदी के नाम पर दे रहे हैं। मैंने क्या लग रहा है कि विकास से कुछ उम्मीद है उनसे? उनसे तो पूरा उम्मीद है, देश के संभाल के रखे हैं, बॉर्डर सब संभाले हुए हैं, दुनिया में डंका बज रहा है उनका, डंका बज रहा है। लेकिन काराकाट में तो लोग पवन सिंह लेकर डंका बजा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा, यहाँ के प्रत्याशी निमन नहीं आ रहा है, कोई प्रत्याशी, विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई नहीं है बढ़िया। ये मोदी जी को बदलना चाहिए, यहाँ से, यहाँ से कोई प्रत्याशी बढ़िया है ही नहीं है जो काराकाट को विकास कर सके। यहाँ कुछ और भी लोग हम बात करेंगे, देखिए दुकान पर खड़े, क्या नाम हुआ आपका? चंदन पांडे। पांडे जी, जरा ये बताइए कि इस बार का जो 1 जून को वोटिंग होने का है तो कैसे प्रत्याशी को देखेंगे और आप लोग क्या मुद्दा क्या होगा? बस नोटा मेरा मुद्दा है, मेरे लायक कोई प्रत्याशी है नहीं, और मोदी जी के नाम पे कितना दिन उपेंद्र कुशवाहा का ढोते रहे, बस नोटा मेरे मन लायक कोई प्रत्याशी नहीं मतलब है। ऐसा नोटा मारिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप यंगस्टर भी हैं तो कहेंगे कि पवन सिंह में तो निर्दलीय है। ना, पवन सिंह में क्या क्वालिटी है? कोई क्वालिटी होना चाहिए ना। लोग तो कह रहे हैं कि पवन सिंह पावर स्टार है, आएगा तो पावर हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग लोगों के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। आखिर मैं एक पीएचडी होल्डर हूँ, उनको क्या आदर्श बनाऊँ, किस चीज में उनको अच्छा समझूँ? लेकिन वह तो भरोसा दे रहे हैं कि हम काराकाट के बेटा हैं, काराकाट के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सब कोई भरोसा देता है और निकल जाता है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, ठीक है, चाय पी लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिए कैसे मैंने प्रत्याशी देखेंगे, क्या होगा? अरे हम लोग मोदी जी को देना है, मोदी जी को दीजिएगा, मोदी जी के नाम पर वोट दीजिएगा। इधर जा रही है, मोदी जी के विकास के दो काम बता दीजिए। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? आप काफी शिक्षित व्यक्ति दिख रहे हैं, कैसे प्रत्याशी देखेंगे इस बार? मोदी जी, मोदी जी देखेंगे।
कहीं ना कहीं लोग जो हैं अपने अपने मतों के लेकर लोगों से चर्चा करें, क्या आप पूरे एकदम राजू खान तक कहने का मतलब ही है कि मोदी जी खा रहे काजू का किशमिश, हम लोग मार भात चोखा, अपने घूम रहे एरोप्लेन से हम लोग धरती पर, अपने सूत रहे सोफा सेट पर, हम लोग गमछी में गमछी बिछा के, ये कहाँ का नियम है? सबको एक जगह से एक तरह से देखिए। मुद्दा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा यही है कि मोदी को हटाइए, दूसरे सरकार को बैठाइए। किसको वोट देंगे? इनको समझे, आप ही बैठ जाइए ना भैया, जो गरीब जनता को समझिएगा। लंगर चलाइए हर गांव में, सबके मिठाई खिलाए तो सब मिठाई खाएगा, लेकिन विकास तो हो रहा है, सब दारू पिएगा, सबको रसमलाई खाएगा तो सब रसमलाई खाएगा, तो सबको बिल्डिंग में सोएगा तो सब बिल्डिंग में सोएगा। इसको वोट किसको देंगे आप? वोट वोट जो जनता को समझेगा, गरीब को समझेगा, उसी को हम वोट देंगे, दूसरे का वोट नहीं देंगे हम। 5 साल की क्या साल रहे मोदी जी? 10 साल। 10 साल हम लोग गरीब के लिए क्या किए? बचपन से देखिए घाटा फूट गया ना, कमाते कमाते 6 गो बाल बच्चा है, ना बढ़िया से रोटी जुट रहा है, ना बढ़िया से कपड़ा, ना बढ़िया से कपड़ा, तो कैसे मंत्री हैं आप? आप ही के कारा कट रहे लोकसभा में, पवन सिंह भी उतरे हुए हैं कहीं ना कहीं स्टार के नाम। पवन सिंह मेरा छोटा भाई है, वो जो कहेंगे वही बात को ले रखा जाएगा। ठीक है भैया, अभी चाय पीजिए। यहाँ कुछ यहाँ पे और लोग हैं, यहाँ भाई जी लोग हैं, क्या कहेंगे भाई आप, कैसे प्रत्याशी देखेंगे इस बार आप लोग बताएंगे? बड़ा भैया हम लोग देंगे मोदी जी का। मोदी जी को देंगे जी? क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जो होगा देखा जाएगा, जो जीतेगा बढ़िया काम करेगा उसको दिया जाएगा मोदी जी। यहाँ जो युवा है वो कहेगा पवन सिंह को देंगे, पवन सिंह, पवन सिंह के भी जाएगा मोदी जी में, पवन सिंह के भी दिया जाएगा, पवन सिंह में जीत रहा है। आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग भी यही कहेंगे जो अच्छा काम करा उसी को वोट दिया जाएगा। एक बार पवन सिंह को भी देख के देखा जाएगा 5 साल। क्या कहेंगे भी आप? क्या कहेंगे, कैसे प्रत्याशी देखेंगे इस बार? मोदी की गारंटी चल रही है तो गारंटी में क्या कहेंगे आप? यानी मोदी जीतेंगे। मोदी जी कहीं देंगे? देखिए यहाँ पे एक अखबार बेच रहे हैं भाई, बहुत दिन से अखबार यहाँ लग रहा है बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी चल रही है और इधर पवन सिंह का भी लहर है, राजा राम जी भी हैं, कैसे प्रत्याशी देखेंगे आप? एकदम नया चेहरा पवन सिंह, पवन सिंह को देखेंगे एकदम, देखेंगे तब बिल्कुल पवन सिंह। कहीं अगर मैंने भाजपा से नाराजगी है या उपेंद्र कुशवाहा से? नाराजगी भाजपा से है नहीं, लेकिन बहुत लोग कुशवाहा जी को नापसंद करते हैं। आप अपनी पसंद बताइए। हमारा तो अभी पवन सिंह, पवन सिंह है। यहाँ कहीं ना कहीं लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और कई लोग अपने मुद्दा को लेकर बात करेंगे। देखिए एक रिक्शा चल रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप रुकिएगा, आप रिक्शा चला रहे हैं, कई दिनों से चला रहे होंगे, कमाने वाले मजदूर भी हैं, कैसे लोगों को वोट देंगे? मोदी जी को देंगे या फिर किसी और को? अब किसका हम देंगे, अब तो हम न देंगे, मोदी के देंगे, चाहे कोई के, आखिर कोई के देना पड़ेगा ना, आखिर वोट तो कहीं ना कहीं देना होगा। तो कैसे लोग को देखेंगे आप? क्या हम कहें, कोई ना कोई देना होगा वोट, मैंने कोई में कोई अपना पसंद का कोई प्रत्याशी बता सकते हैं? अब हम नहीं बता सकेंगे, खुद हम बूथ पे जाएंगे तो हम अपना मन से मार देंगे। अच्छा, ये अपने बूथ पे जाने का फैसला लेंगे। कुछ यहाँ महिला है, एक मिनट अभी जाइएगा। मोदी की गारंटी चल रही है, 1 जून को चुनाव होने को है, नमता जी कैसे प्रत्याशी देखेंगे और पवन सिंह भी मैदान में है? अरे हम कौन सा मैदान में, हम तो खुदाई मैदान में है। अच्छा, आप खुद मैदान में है, वोट किसको दीजिएगा? अरे हमारा वोट तो चल ही रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ से भी, क्या कहेंगे आप, कैसे लोग को वोट देंगे? मोदी को ना। मोदी जी को देंगे? हाँ, मोदी जी को देंगे। मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं? मेरे काम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग तो अभी लावारिस की तरह कुछ दे रहे हैं, राशन पानी घर भी नहीं है, गिर पड़ गया है। फिर भी मोदी को वोट देना है? फिर भी देना है, देना है। भी आप शिक्षित व्यक्ति दिख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव का जो सरगर्मी वो तेज हो गया है, लेकिन कैसे प्रत्याशी को आप देखेंगे इस बार? अभी हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट है, हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे इसमें भी सरकार। अच्छा, इम्प्लाई है कहीं ना कहीं। तो यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे भी और हम बात करेंगे, तरह तरह के लोग यहाँ मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे लोग को देखेंगे? 1 जून को चुनाव होने को है। हम तो भैया कमल है, साफ बात। नहीं नहीं, जो भी हो आप, क्या मन मुद्दा क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, मोदी जी के साथ में है, पवन सिंह भी है, उसके बाद राजा राम जी भी हैं जो इंडिया गठबंधन से हैं। देखिए वोट तो ऐसा आदमी को देना चाहिए जो काम करे, उपेंद्र कुशवाहा जी तो काम किए नहीं,
अब पवन सिंह को एक बार देख लिया जाए तो फिर किसको वोट देंगे, या मोदी के पक्ष में देंगे या फिर पवन सिंह को देंगे? पवन सिंह निर्दलीय है, निर्दलीय है, यो सला को टेंशन है भाई। क्या कहेंगे आप बताइए? बस भाजपा भाजपा को देंगे, मोदी की गारंटी चल रही है, एकदम चल रही है, कहाँ नहीं चलेगी?